पड़ोसियों ने किया परेशान, तो बेटे के साथ इमारत से कूदकर मां ने की आत्महत्या। दूध में मिलावट करने वाला फंसा पुलिस के चंगुल में। उम्र कैद के सजा याफ्ता फरार आरोपी को 8 साल बाद किया गया गिरफ्तार। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर की एचआर तेज खबरों में आपका स्वागत है। आज की हमारी पहली एचआर तेज खबर मुंबई के चांदीवली परिसर से। गत सोमवार 21 जून को यहां पर एक 44 वर्षीय महिला ने अपने 7 वर्षीय बेटे के साथ इमारत की 12वीं मंजिल से छलांग लगा करके आत्महत्या कर ली। वहीं इस 44 वर्षीय महिला, जिसका नाम रेशमा ट्रेंचिल बताया जा रहा है, रेशमा ने सुसाइड नोट भी लिखा था। सुसाइड नोट के अनुसार उसके बच्चे के शोर शराबे के कारण उसके पड़ोसी जो है अक्सर उससे झगड़ा करते थे और उसे परेशान किया करते थे। आपको बता दें, एक माह पहले ही रेशमा ट्रेंचिल के पति शरद की कोरोना के कारण मौत हुई है और उसके कारण रेशमा वैसे ही अवसाद और तनाव में थी। उसी दौरान पड़ोसियों द्वारा बच्चे के शोर के कारण लगातार लड़ना झगड़ना और उसे परेशान करने के कारण आखिरकार उसने आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर मामला दर्ज करते हुए एक पड़ोसी शादाब खान को गिरफ्तार किया है। एचआर तेज खबरों में हमारी दूसरी खबर मुंबई के उपनगर मलाड़ पूर्व से है। मलाड़ पूर्व में दिंडोशी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले मकरानी पाड़ा में काश्मीरी चाल पर क्राइम ब्रांच यूनिट 12 की टीम ने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विलास भोसले के मार्गदर्शन में छापा मारकर एक व्यक्ति को दूध में मिलावट करते हुए गिरफ्तार किया है। इस क्राइम ब्रांच यूनिट 12 द्वारा यहां पे दूध में मिलावट करने वाले 3 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें मुख्य आरोपी का नाम श्रीनिवास उर्फ श्रीनी वेंकैया थुंडो इस प्रकार से है। वहीं विभिन्न धाराओं के तहत FDA की सहायता से मुंबई पुलिस ने इसके खिलाफ अपराध दर्ज कर इसे न्यायालय में पेश किया है। एचआर तेज खबरों में हमारी तीसरी खबर मुंबई के उपनगर कांदिवली से है। क्राइम ब्रांच यूनिट 12 ने कांदिवली से हत्या के आरोप में सजा लग चुके, उम्र कैद की सजा भोग रहे, जेल से पैरोल पर बाहर आने का फरार हो चुके अश्विनी बंसी सबकाले, इसको गिरफ्तार किया है। पिछले 8 वर्षों से अश्विनी सबकाले अपनी पहचान बदलकर महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में या कभी कांदिवली में ही छुपा रहता था। समतानगर पुलिस स्टेशन में उसके फरार होने का अपराध दर्ज किया गया था और अब उसको क्राइम ब्रांच यूनिट 12 ने फिर से गिरफ्तार किया है। ये थी हमारी आज के एचआर तेज खबरें। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली एचआर तेज खबरों के साथ।